वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि गवादर की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की होगी। मकामी लोगों को इंसाफ हेल्थ कार्ड फराहम किए जाएंगे। गवादर को सरसब्ज़ करने के लिए 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गवादर को रेल के ज़रिए क्वेटा से मुंसलिक किया जाएगा। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि गवादर की तरक्की से पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। तरक्की वो होती है जिससे मकामी लोगों को फ़ायदा मिले। मकामी लोगों को तरक्की दिए बग़ैर तरक्की मुमकिन नहीं है। माजी में होने वाली तरक्की से मकामी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत गवादर में इंसाफ हेल्थ कार्ड देगी जिससे हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी ताकि वो किसी भी हस्पताल से अपना इलाज करा सके। मकामी लोगों को तरक्की से मुस्तफीद होने के लिए तरबियत फराहम करेंगे। गवादर के माही गीरों को खसूसी ग्रांट्स दी जाएंगी। गवादर को बिजली की फराहमी के लिए नेशनल ग्रिड से मुंसलिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत गवादर में 10 लाख दरख्त लगाने का फ़ैसला किया है ताकि गवादर दोहरा हो जाए। पानी को रिसाइकल किया जाएगा, रिसाइकलिंग प्लांट लगाया जाएगा। उनका कहना था कि हमने फ़ैसला किया है कि गवादर से क्वेटा तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। हमने फ़ैसला किया कि रेलवे पर पूरा जोर दिया जाएगा। रेलवे की टेक्नोलॉजी में चाइना सबसे आगे हैं। हम सारे पाकिस्तान में रेलवे लाइन को डेवलप करेंगे। गवादर की तरक्की सारे पाकिस्तान की तरक्की होगी। मैं पहले बार गवादर आया हूँ और बहुत खुश हूँ। गवादर में तरक्याती कामों में ताउन पर चाइना का शुक्रिया अदा करता हूँ।